महाराष्ट्र में मंगलवार को तेजी से बदलते सियासी हालात के बाद उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी का नेता चुन लिया गया है। वो कल यानी गुरुवार को मुंबई के शिवाजी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये पहला मौका होगा जब शिवसेना का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार को ठीक स्थान मिलेगा, वो बहुत बड़ा काम करके आए हैं। महाराष्ट्र से देश में परिवर्तन की शुरुआत हुई है, हमारा मिशन पूरा हुआ। मैंने कहा था हमारा सूर्ययान मंत्रालय के छठे मंजिल पर सफल लैंड करेगा, तब सब हंस रहे थे, लेकिन हमारे सूर्ययान का सफल लैंडिंग हो गया। आने वाले समय में अगर ये सूर्ययान दिल्ली में भी उतरे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। आसमान में भारत के आंख कहे जाने वाले कार्टोसेट सीरीज के नवीनतम उपग्रह कार्टोसेट 3 को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ गए अमेरिका के 13 छोटे उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में भेज दिया गया है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 185.41 अंक यानी 0.45% की बढ़त के बाद 41,006.71 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33.80 अंक यानी 0.28% की बढ़त के बाद 12,071.50 के स्तर पर खुला। जम्मू और कश्मीर में बुधवार को एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग श्रीनगर के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर चुका है। घाटी और जम्मू संभाग के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार पड़ सकती है। जिला रजौरी और पुंछ को शोपियां कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड लगातार बंद चल रहा है। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से पारे में गिरावट आई है। मुंबई पर 11 साल पहले हुए आतंकी हमले की बरसी पर अमेरिका ने पीड़ितों को याद किया है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए अमेरिका ने कहा कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इसमें 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से आए 10 आतंकियों ने मुंबई में इस हमले को अंजाम दिया था। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार का नई दिल्ली में आज निधन हो गया। सुशील कुमार ने 30 दिसंबर 1998 को भारतीय नौसेना के 16वें नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। जम्मू में आज प्रदेश के बड़े नेता गिरधारी लाल डोगरा की 32वीं पुण्यतिथि पर उपराज्यपाल गिरीश चंद मुर्मू ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये प्रोग्राम जम्मू यूनिवर्सिटी रोड स्थित डोगरा चौक पर मनाया गया, जिसका आयोजन गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया।